क्या आप लोग स्टडी करते हो, क्या आप अपने सब्जेक्ट को समझते हो, क्या अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हो, उसकी स्टडी द सब्जेक्ट, डोंट जस्ट कॉपी। ड्रॉइंग इज द इंटीग्रल पार्ट, वो कंपलसरी पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का। आज की इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आप देखने वाले हो। ऑयल पेंटिंग भी देखोगे, ड्राइंग भी देखोगे, वाटर कलर भी देखोगे, इनका कॉम्बिनेशन भी देखोगे। स्टडी के ऊपर पूरी वीडियो यहाँ पे रिवॉल्व करेगी, स्टडी के अराउंड, और स्टडी क्यों जरूरी है एक आर्टिस्ट की लाइफ में वो समझना जरूरी है। आप लोग सभी लोग आर्टवर्क बनाते होंगे अपनी डेली लाइफ में, अपने स्टूडियो में, अपने रूम में, लेकिन क्या आप लोग स्टडी करते हो, क्या आप अपने सब्जेक्ट को समझते हो, क्या अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हो, उसको एनालाइज करते हो, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर अगर आपको चलना है, लॉन्ग टर्म विजन आपका है अगर आर्ट की फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मिस्टेक जो बिगिनर्स ज्यादातर करते हैं वो ये कि वो सिर्फ कॉपी करते हैं। हालांकि कॉपी करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट में, लेकिन कॉपी करते समय हमारा माइंडसेट जो होता है वो स्टडी वाला होना चाहिए, ताकि हम उस चीज को समझ सकें। ओके, इसलिए आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं एक आर्टवर्क के ऊपर काम कर रहा था, उसके कुछ फुटेज आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आर्टवर्क मेरे वॉल पे भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इस पेंटिंग का नाम है इनटू द फॉरेस्ट। तो ये आर्टवर्क के ऊपर जब मैं काम कर रहा था, तो इस सीन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो है पेड़। ओके, जो ट्री है, इस सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि बहुत ही डोमिनेटिंग एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इस ट्री के बेसिस पे ये पूरा सीन डिफाइन हो रहा है। पूरा सीन में डेप्थ भी इस ट्री की वजह से आ रही है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ये ट्री है, सबसे ज्यादा जो एरिया कवर कर रहा है, जहां पे अटेंशन जा रहा है वो भी यही है। तो यहाँ पे जरूरी था कि इस ट्री को स्टडी किया जाए। तो इसके लिए जब मैंने देखा कि ये ट्री के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं अपना स्केचबुक निकाला और मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग करनी शुरू करी। ड्रॉइंग करते वक्त मैं यही सोच रहा था कि इस ट्री की ड्रॉइंग का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन पार्ट है, उस चीज को कैसे मैं ध्यान दूं। जैसे कि ट्री में, कोई भी ट्री में ज्यादातर क्या होता है कि ट्री मोटे से पतला होता हुआ जाता है, उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो मोटे से पतले होते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं ड्रॉ कर रहा था, तो ये कुछ छोटी छोटी बातों को मैं ध्यान दे रहा था। यहाँ पे मैं कंप्लीटली कॉपी नहीं कर रहा हूँ फोटो को देख के कि ट्री एग्जैक्ट वैसा ही दिखना चाहिए या जो भी इसके ब्रांचेस हैं वो सेम टू सेम वैसे ही होने चाहिए। मैं रफली क्विकली एक ड्रॉइंग कर रहा हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ट्री का वो कैसा हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पे जो खेल आता है स्टडी का, यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी चीज आप ड्रॉ करते हो, पेंट करते हो, वहां पे कोई ऐसा सब्जेक्ट अगर आपको लगता है जिसके ऊपर आपको थोड़ा और आपकी स्केचिंग होनी चाहिए, तो आप उसको अलग से अपने स्केचबुक्स में बना बना के देख सकते हो। और यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि ट्री को एक कंप्लीटली अलग स्केचबुक में मैं ड्रॉ करके पहले देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है, सही चीजें सही से फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और यहाँ पे ट्री की ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मैं वाटर कलर कर रहा हूँ। वाटर कलर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए मुझे लगता है क्योंकि वाटर कलर एक बहुत ही फास्ट मीडियम है। कोई भी और मीडियम को करते वक्त आपको बहुत समय उसमें देना पड़ता है, और क्योंकि वाटर कलर एक बहुत फास्ट मीडियम है तो वो आप उसको स्टडी के रूप में ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं जब मैंने ट्री की ड्राइंग की, तो वाटर कलर का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे ट्री को कलर कर रहा हूँ और फटाफट से ये चेक कर रहा हूँ कि कौन सा ब्रांचेस को मैं डार्क रखूं, लाइट रखूं। तो एक बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ वाटर कलर करके इस ट्री को। तो यहाँ पे जब मैंने ट्री को कंप्लीट कर लिया, वाटर कलर की स्टडी कर ली, तो यहाँ पे मैंने ऑयल पेंटिंग में वापस आया और ऑयल पेंटिंग में ये जो ट्री था इस पूरे सीन के अंदर, उसको मैंने वापस कंप्लीट किया और इस पेंटिंग को इनटू द फॉरेस्ट कंप्लीट की। ये पेंटिंग आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे जो तीन पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो तीनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अपना अपना स्केचबुक, अपने अपने जो डायरीज है, प्लीज उसको निकालिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि ये सारे पॉइंट्स आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। क्योंकि अगर आप लिख रहे हो तो आपको ये चीजें याद रहेंगी, क्योंकि वीडियो सिर्फ देखने से आपको कोई मजा, मतलब सीखने को नहीं मिलता जब तक आप उसको प्रैक्टिकली ना करो, नोट्स ना बनाओ। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नोटेड NOTED नोटेड कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग सारे पॉइंट्स लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। प्लस एक पर्पल हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। पहला पॉइंट जो यहाँ पे आपको समझना है वो ये कि स्टडी द सब्जेक्ट, डोंट जस्ट कॉपी। किसी भी सब्जेक्ट को जब आप काम करते हो और आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कई बार आर्टिस्ट को आपने देखा होगा कि आप वो पाम की स्टडी करते हैं, फुट की स्टडी करते हैं, चेहरे की स्टडी करते हैं अलग अलग एंगल से किसी एक पेंटिंग को बनाने से पहले। वो इसलिए करते हैं ताकि वो वार्म अप कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें, क्योंकि जब वो पेंटिंग पे वो चीज करें तो वहां पे वो छोटी छोटी बातों को, फॉर एग्जाम्पल कोई चेहरा बना रहा है तो उसमें एक्सप्रेशन मैटर करता है, तो उस एक्सप्रेशन को जब वो स्टडी करते हैं
तो वहाँ पे पेंटिंग में उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो दिखा पाते हैं, दर्शा पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, हाथों को बनाते हैं तो स्टडी करते हैं, तो वो पेंटिंग में जब करते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको दर्शा पाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने ट्री के साथ किया कि ट्री को मैंने थोड़ा पहले स्केच किया, वाटर कलर से स्टडी की, ताकि जब मैं उसको ऑयल पेंटिंग में उसको करके देखूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं उसको दर्शा सकूँ। तो डोंट जस्ट कॉपी, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन ज़रूर करिए। दूसरा पॉइंट जहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि ड्राइंग इज द इंटीग्रल पार्ट, वो कंपलसरी पार्ट है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का, आप उसको ड्राइंग बोलो या स्केचिंग बोलो, हर जगह पे आपको स्केचिंग करते रहना ज़रूरी है। आप स्टडी किसी पेंटिंग को बना रहे उससे पहले स्टडी करो, वो चीज़ तो एक पार्ट मैंने बताया, लेकिन डेली लाइफ में अगर आप कोई पेंटिंग्स नहीं बना रहे हो, कोई कलर का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपकी स्केचिंग ज़रूर होते रहनी चाहिए रफ पेपर पे, किसी भी पेपर पे एक पेंसिल के साथ। ड्राइंग के लेवल पे आपको काम करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली उस ड्राइंग की जो स्ट्रेंथ है, उस ड्राइंग में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वही अल्टीमेटली आपको स्टडी करने में, आपको अलग अलग आर्टवर्क्स बनाने में हेल्प करेगी। तो ड्राइंग और फंडामेंटल के ऊपर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे निकल के सामने आता है वो है वाटर कलर की इंपॉर्टेंस। मैंने एक चीज़ बहुत बार बहुत तरीके से बताने की कोशिश की, क्योंकि मेरी लाइफ में वाटर कलर ने मुझे बहुत हेल्प किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक ऑयल पेंटिंग के ऊपर काम कर रहा था, जिसका मैंने टाइटल भी रखा इनटू द फॉरेस्ट। इस पेंटिंग को करते समय भी वाटर कलर ने मुझे एक तरीके से हेल्प किया स्टडी करने में, और मेरी जर्नी में जब मैंने सीखना शुरू किया था तो वाटर कलर ने मुझे एक बहुत बड़ा हेल्प किया था स्टडी के रूप में अपने आप को ग्रो करने में, क्योंकि वाटर कलर एक फास्ट मीडियम है। आप जल्दी जल्दी कलर को लेके एक क्विक स्केचेस बना के देख सकते हो, कलर का टेस्ट आउट कर सकते हो, कौन से कलर आपको लगाने में आपको ज़्यादा सही लग रहा है, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटेशन के मामले में, फास्ट स्टडी के मामले में वाटर कलर एक बहुत ही कमाल का मीडियम है, और इसलिए वाटर कलर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको समझ में आएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर कलर के लवर हो या नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर कलर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर आपका कोई और मीडियम भी फेवरेट है, जैसा मेरा ऑयल पेंटिंग मेरा फेवरेट मीडियम है, तो उसको करते समय भी वाटर कलर ने मुझे स्टडी के रूप में हेल्प किया। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि वाटर कलर जो मीडियम है उसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो सकता है आपकी इस जर्नी में। और इसीलिए हम एक ट्रेनिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता था कि द ट्रांसपेरेंसी वाटर कलर की जो ट्रेनिंग है, इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। एक महीने के अंदर अंदर वो ट्रेनिंग पब्लिकली लॉन्च हो जाएगी। सारे डिटेल्स इस चैनल पे, मेरे बाकी सोशल मीडिया पे शेयर किया जाएगा। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द ट्रांसपेरेंसी वाटर कलर ट्रेनिंग। सो इस ट्रेनिंग को बनाने के पीछे का मकसद भी यही है कि जितने भी आर्ट के लवर्स हैं, जो फंडामेंटल के बाद कलर के मीडियम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो वाटर कलर के लेवल पे भी अपने आप को सीख सके, अपने आप को ग्रो कर सके। सो दैट अगर उनका कोई और मीडियम भी फेवरेट है, किसी और मीडियम में भी वो शिफ्ट करना चाहते हैं, या किसी और मीडियम में भी वो मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो उनका बेस लेवल का जो कलर है, जो वाटर कलर है, उसके ऊपर वो काम कर सकें, ताकि उनका एक फंडामेंटल कलर के लेवल पर फंडामेंटल उनका स्ट्रेंथ एक आ जाए। तो ये तीन पॉइंट थे जो बहुत ज़रूरी थे। पहला कि आपको स्टडी करना है, सिर्फ कॉपी नहीं करना है, कॉपी ज़रूरी है, कॉपी गलत बात नहीं है, लेकिन स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिस्ट की जर्नी में। दूसरा, ड्राइंग और फंडामेंटल के ऊपर काम करना, उसको अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना के रखना, डेली बेसिस पे उसकी स्टडी, उसकी प्रैक्टिस करना, स्केचेस बनाना, ड्राइंग्स बनाना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझना, वैल्यूज़ क्या होते हैं, लाइनिंग्स कैसी होती है, रिदम क्या होता है, सब बेस लेवल की चीज़ों को समझते रहना। तीसरा, वाटर कलर का इस्तेमाल डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली करो, क्योंकि वो आपको कलर के लेवल पे फंडामेंटल, कलर की जो फंडामेंटल दुनिया है, उस लेवल पे आपको जोड़े रखती है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये तीनों पॉइंट कमेंट में लिखना जरूर, अपनी डायरी में लिखना जरूर, इंप्लीमेंट जरूर करना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि आपके लाइक से, सब्सक्राइब से ये मुझे समझ में आता है कि आपको इस तरीके के लेसन और चाहिए। उसी से ही मुझे एक आइडिया मिलता है कि इस तरीके के वीडियो में और बनाऊं, ताकि आप लोगों को चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, तभी मुझे समझ में आता है। तो एक बार लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, इन चीज़ों के थ्रू आप ये संदेशा मुझे भेज सकते हो कि आप चाहते हो ऐसे लेसन्स में और बनाता रहूं। वीडियो को शेयर जरूर करना, आर्ट की अवेयरनेस फैलती है, आर्ट की एजुकेशन फैलती है, बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट, आर्ट लवर्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। मिलते हैं आने वाले लेसन में, टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, लव यू ऑल।